आप सभी प्यारे दोस्तों का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। मैं आशा और उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, निरंतर अपनी तैयारी के अंदर व्यस्त होंगे। आज का पेपर सॉल्यूशन के अंदर पहला क्वेश्चन 6 नवंबर 2023 को भारत के मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में किसने शपथ ली, तो इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर हीरालाल सांवरिया। अगला क्वेश्चन, आधुनिक मोबाइल की बैटरियों के विघटन से कौन सा अवशिष्ट मुख्य रूप से पर्यावरण में छोड़ा जाता है, बेरिलियम, यूरेनियम, सोडियम या पोटेशियम, तो इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर बेरिलियम। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी लंबाई में सबसे छोटी है, नर्मदा, कृष्णा, महानदी या गोदावरी, तो इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर यानी कि महानदी, इन नदियों में से सबसे छोटी नदी है। राजस्थान की 16वीं विधानसभा में महिला विधायकों का प्रतिशत है 10%, 12%, 15 या 20, तो इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर 10%, क्योंकि राजस्थान की 20 महिला निर्वाचित हुई थी और इसमें 200 विधानसभा की सीटों में से कितनी, तो 10%। बूंदी का राजकवि था मनोज नैन सिंह, कन्हैयालाल सेठिया, सूर्यमल मिश्रण, चंद्र प्रदाई, तो इसका राइट आंसर होगा बूंदी का राजकवि था सूर्यमल मिश्रण, जिसने वंश भास्कर, वीर सरसई, बलवंत विलास जैसी अनेक पुस्तकों की रचना की थी। कौन से समुद्र यूक्रेन की तटरेखा बनाते हैं, तो यूक्रेन से तटरेखा बनाने वाले समुद्रों की बात करें, एक तो काला सागर है और सी ऑफ अजोब, ये इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, हाल ही में रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल पुष्प का चित्रदुर्ग परीक्षण रेंज में सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया, इस पुष्प विमान का निर्माण किस संस्था द्वारा किया गया था, तो इसका राइट आंसर होगा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर। अगला क्वेश्चन, फिलोसॉफी ऑफ बॉम्बे के लेखक भगवती चरण बोरा, इसका राइट आंसर होगा डी नंबर। अगला क्वेश्चन, आईएमटी थाईलैंड 24 नामक युद्ध अभ्यास कौन से देश हैं, तो इसके अंदर भारत है, मोजाम्बिक है और तंजानिया, इसका राइट आंसर होगा ए नंबर। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया में राजस्थान संघ का हिस्सा नहीं था, प्रतापगढ़, करौली, बूंदी और डूंगरपुर, तो इसका राइट आंसर होगा बी नंबर करौली, क्योंकि करौली मतेश्वर संघ का हिस्सा था। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के नक्शे में निम्न में से कौन सा सुदूर दक्षिण में है, मेड़ता सिटी, सोजत, मारवाड़ जंक्शन और राजसमंद, तो इसका राइट आंसर होगा डी नंबर, राजस्थान के मानचित्र में यह सबसे दक्षिण में स्थित है। निम्न में से किस केंद्र से चंद्रयान 3 का लॉन्च हुआ था, चंद्रयान 3 लॉन्च किया था कहां से, सतीश धवल स्पेस केंद्र, इसका राइट आंसर होगा ए नंबर। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सही सुमिलित नहीं है, मेगा स्वावर्ष तमिलनाडु बिल्कुल सही है, चेरी ब्लॉसम कर्नाटक सही है, नॉर्वेस्ट पश्चिम बंगाल सही है, बादोली सीडा केरल नहीं है, इसका राइट आंसर होगा डी नंबर। अगला क्वेश्चन, विरूपाक्ष व पंपा देवी तीर्थ स्थल किस राज्य में स्थित थे, तो ये इसका राइट आंसर होगा विजयनगर, विजयनगर कर्नाटक, इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर। निम्न में से किसे द्वितीय क्षेत्र माना जाता है, ऑटोमोबाइल उत्पादन, जंगल खनन या बी या सी दोनों, इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर ऑटोमोबाइल उत्पादन। किरात अर्जुनियम के लेखक कौन थे, कालिदास, भारवी, तो इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर, ये दक्षिण के कवि थे भारवी, जिसने किरात अर्जुन नियम नामक एक पुस्तक लिखी थी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस दर्रे में होकर जाकर जवाहर सुरंग निकलती है, रोहतास, नाथुला, बनिहाल, तो इसका राइट आंसर होगा सी नंबर, बनिहाल दर्रे से जवाहर सुरंग निकलती है। भारत ने हेती से अपने नागरिकों को निकालने के लिए कौन सा अभियान आरंभ किया था, तो ऑपरेशन इंद्रावती, इसका राइट आंसर होगा ए नंबर। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है, इसका राइट आंसर होगा ए नंबर।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नवंबर 2021 में ग्लासगो में COP26 में किस अवधारणा को प्रस्तुत किया? तो इसका राइट आंसर होगा ए नंबर, पर्यावरण के लिए जीवन शैली। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत सरकार द्वारा आशियो वर्ग के अथवा वंचित वर्ग के लोगों को सीधे वित्तीय लाभ देने के लिए किस पोर्टल को शुरू किया गया था? तो पी सूरज, इसका राइट आंसर होगा ए नंबर। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन से प्राकृतिक हत्यारी कोशिका कहलाती है? मोनोसाइट, तो इसका राइट आंसर होगा लिम्फोसाइट, डी नंबर। अगला क्वेश्चन, रमन मैक्सेस पुरस्कार किस देश द्वारा दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा फिलीपींस, यूरोपियन देश है फिलीपींस, इसके द्वारा दिया जाता है। निम्न में से कौन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर नहीं रहे? तो अरविंद पनगड़िया कभी इसके अध्यक्ष नहीं रहे थे आरबीआई के। अगला क्वेश्चन, 2023 का नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा ए नंबर, नरगेश मोहम्मदी को। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2023 का राजस्थानी भाषा का साहित्य अकादमिक दिल्ली पुरस्कार किसे दिया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा सी नंबर, डॉक्टर गजेंद्र सिंह राजपुरोहित। अगला क्वेश्चन, 1945-46 में उदयपुर में हुई अखिल भारतीय लोक राज्य परिषद के 9वें सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? इसका राइट आंसर होगा एक नंबर, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। राजस्थान लोक सेवा प्रदान की गारंटी अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो ये 2011 के अंदर हुआ था। अगला क्वेश्चन, देवराई का युद्ध 1659 में हुआ था, औरंगजेब व दारा सिखों के बीच में हुआ था, इसका राइट आंसर होगा ए नंबर। अगला, देश में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई प्रसाद योजना राजस्थान का कौन सा धार्मिक स्थल शामिल नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा खाटू श्याम जी सिक्कर, इसके अंदर प्रसाद योजना के अंतर्गत शामिल नहीं है। आत्मीय सभा के संस्थापक थे, तो राजा राम मोहन राय आत्मीय सभा के संस्थापक थे। जीरो डिस्क्रिप्स नेशनल डे कब मनाया जाता है? इसका आंसर होगा 1 मार्च, 27 नवंबर 2023 को न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली थी? तो इसका राइट आंसर होगा क्रिस हिफकिंस के द्वारा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मैगजीन अग्नि उत्पादन है? तो ओडिशा, इसका राइट आंसर होगा ए नंबर। किस प्रतिहार शासक ने आदिवरा की उपाधि धारण की? तो इसका राइट आंसर होगा मीर भोज। निम्न में से कौन सा सही मेल नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा बिसलपुर बांध बनास नदी पर, कहां पर है? बनास नदी पर, टोंक जिले के अंदर है, बाकी सभी सुमलित हैं। किस वर्ष में भारतीय रेल बोर्ड की स्थापना हुई? तो भारतीय रेल बोर्ड की स्थापना 1905 के अंदर हुई थी, इसका राइट आंसर होगा डी नंबर। NIRF कौन आयोजित कराता है? शिक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, विज्ञान व प्रौद्योगिकी मंत्रालय व स्वास्थ्य मंत्रालय? तो इसका राइट आंसर होगा ए नंबर, शिक्षा मंत्रालय। किस वर्ष भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाना शुरू किया था? तो ये 2011 के अंदर शुरू किया था। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक सदस्य कौन थे? चंद्रशेखर आजाद थे, सचिंद्रनाथ सान्याल थे, अरविंदो घोष थे, राम प्रसाद बिस्मिल थे, इसका राइट आंसर होगा ए नंबर। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो यह 2010 के अंदर हुई थी। तरंग दैर्ध्य की SI इकाई क्या है? तो इसका आंसर होगा मीटर। अगला क्वेश्चन, सिप्री का पूरा नाम क्या है? स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसका राइट आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन, ग्लोबल स्टॉक टैक्स शब्द का संबंध है? तो संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, इसका राइट आंसर होगा ए नंबर। अगला, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का आयोजन कहाँ हुआ था?
तो ये चेन्नई के अंदर हुआ था, तमिलनाडु के अंदर। अगला क्वेश्चन, हाल ही में घोषित अदिति स्कीम किस क्षेत्र से संबंधित है, तो ये प्रतिरक्षा से। इसका राइट आंसर होगा ए नंबर। 2023 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित दिव्य करदी किस का संबंध किस खेल से है, तो इसका आंसर होगा घुड़सवार से। किस पर्वत माला को सह्याद्री भी कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा पश्चिमी घाट। भैरोदेव अभयारण्य कहां स्थित है, तो इसका आंसर होगा अलवर में। अगला क्वेश्चन, हुमायूं के मकबरे के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, ये चार बाग शैली के बगीचों के मध्य अवस्थित है, बिल्कुल सही है। लाल बलुआ पत्थर मकबरे की मुख्य निर्माण वस्तु है, बिल्कुल सही है। इसका मतलब कथन ए भी सही है, कथन दो भी, दोनों ही कथन सही है। यदि क्लास अच्छी लगी हो तो अन्य दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। थैंक यू।